वेलकम टू वेट वेज। आप लोगों ने बचपन में एक स्टोरी टेल जरूर सुनी होगी, टू फ्रेंड्स एंड अ बियर। उसमें क्या होता है कि एक लड़का बियर से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए प्रिटेंड करता है मरा हुआ, बट वो मरा हुआ नहीं होता है। तो क्या ये स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी थी या सच में भी ऐसा देखा जाता है? तो आइए जानते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रभजोत कौर और आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि ये बताएगा कि उस स्टोरी के पीछे इथोलॉजी क्या कहती है। एपरेंट डेथ या फेनिंग डेथ, या जिसको मोर टेक्निकली थैनेटोसिस भी बोला जाता है। एपरेंट डेथ, जैसा कि नाम में छुपा हुआ है कि एनिमल प्रिटेंड कर रहा है कि वो मरा हुआ है, ऑल्दो इट इज अलाइव। टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वर्जीनिया पोसम, विच इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस बिहेवियर, जिसकी वजह से इस बिहेवियर का एक और नाम रखा गया, प्लेइंग पोसम। Whenever there is a situation of threat, ये animal ऐसे pretend करता है as if it is dead. Being dead, वो अपने heart rate और breathing rate को काफी कम कर देता है और अपने body movements को रोक देता है, that appears कि as if it is in coma. साथ साथ possum अपनी anal gland से एक green volatile substance भी निकालता है, जो कि putrid smell का होता है, जिसको हम 5th या 6th stage of death में भी देखते हैं। तो इस दौरान जब कोई प्रेडेटर उसको देखता है, तो उसको लगता है जैसे पोसम मरा हुआ है या डिकम्पोज हो गया है, तो वो उसको बिना कुछ कहे, बिना कंज्यूम किए आगे बढ़ जाता है, एंड दिस इज हाउ पोसम एस्केप्स फ्रॉम द थ्रेट। सो लेट्स स्विच टू अ नेक्स्ट एग्जांपल, हॉक नोज स्नेक, जिसके हेड की अपियरेंस एक पिक के नोज से सिमिलर है। आइए देखते हैं कि ये स्नेक अपने आप को कैसे डेड प्रिटेंड करता है। Playing dead, वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्विस्ट करता है, अपने माउथ को काफी वाइड ओपन कर लेता है, अपनी टंग को प्रोट्रूड करके एक साइड में ले आता है, और ये सब करते टाइम वो अपनी बॉडी से एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस भी निकालता है, और तो और वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जब कर रहा होता है तो ऐसी पोजीशन में आ जाता है जो बेली अप पोजीशन होती है, जो कि ऐसे स्नेक्स में देखी जाती है जो मरे हुए होते हैं। और आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा वही रहेगी, वो हमेशा बेली अप पोजीशन में ही आ जाएगा। तो ऐसा देखकर उसके प्रेडेटर को लगता है कि ये स्नेक भी मरा हुआ स्नेक ही होगा कोई, तो वो उसको कंज्यूम नहीं करता है और उसको वहां से छोड़ के निकल जाता है। सो इफ दिस बिहेवियर इज इंड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, देन इट इज कॉल्ड एज एनिमल हिप्नोसिस और टोनिक इमोबिलिटी, जिसको साइंटिस्ट एक्सप्लॉइट करके शार्क्स के ऊपर काफी रिसर्च कर भी चुके हैं। होप कि आपको एपरेंट डेथ का बिहेवियर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं एक ऐसे ही स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म की ओर, जिसका नाम है ऑटो हेमरेजिंग एंड रिफ्लेक्स ब्लीडिंग। सो द एनिमल विच एग्जीक्यूट्स दिस बिहेवियर डेलिबरेटली इजेक्ट्स आउट अ ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स बॉडी टू डिस्करेज इट्स प्रेडेटर। सो लेट्स नो हाउ डज इट हैपेंस फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। हॉर्न लिजर्ड, तो हॉर्न लिजर्ड में ऐसा देखा जाता है कि जब भी कैनाइन या फेलाइन फैमिली का मेंबर उसका प्रेडेटर बन के आता है, तो वो अपने हेड रीजन का ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है, और उसी टाइम वो अपने आई रीजन की ब्लड वेसल्स को, मतलब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देती है, और उस वजह से ब्लड काफी तेज प्रेशर के साथ स्क्वर्ट आउट हो जाता है उसके प्रेडेटर के ऊपर, उसका प्रेडेटर वहां से चला जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि उसके ब्लड में ऐसा क्या था कि उसका प्रेडेटर उसको बिना हंट करे वहां से चला गया। तो मैं आपको इसका रीजन ये देना चाहूंगी कि इन लिजर्ड्स की मेन डाइट होती है एंट्स, जिनसे वो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स एक्युमुलेट कर लेती हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो एज अ इरिटेंट काम करती है अपने प्रेडेटर के ऊपर। तो जब भी कोई प्रेडेटर इस टॉक्सिक ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो अपने प्रे को बिना हंट किए वहां से, उसको बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। एंड दिस इज हाउ दीज हॉर्न लिजर्ड्स मेक देयर सर्वाइवल। लेट्स टर्मिनेट अ वीडियो विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ ग्रास स्नेक्स। सो दीज आर नॉन पॉइजनस, तो इनके पास पॉइजन तो है नहीं अपने डिफेंस करने के लिए, तो ये ऐसा कौन सा मैकेनिज्म ऑप्ट करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए? तो वो है रिफ्लेक्स ब्लीडिंग और एपरेंट डेथ दोनों का। सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द एपरेंट डेथ, दे बिकम लिम्प एंड ऑल्सो सिक्रीट सम गार्लिक स्मेलिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर एनल ग्लैंड्स।
ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द रिफ्लेक्स ब्लीडिंग ये अपनी नोज और माउथ से ब्लड को एमिट करते हैं। अगर खतरा काफी ज्यादा है तो जो कंटेंट उनकी स्टमक में था वो उसको भी रिगर्जिटेट कर देते हैं। तो एक और अमेजिंग चीज इन स्नेक्स के बारे में ये है कि अगर इस सब के टाइम इनको एग्रेशन दिखाना हो तो ये हिसिंग और बाइटिंग दोनों ही क्लोज माउथ से करेंगे। यस यू हर्ड इट राइट, विद क्लोज माउथ। आज के लिए बस इतना ही और होप करती हूँ कि आपको ये दोनों ही बिहेवियर्स काफी अमेजिंग लगे होंगे। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग मच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन दिस एनिमल बिहेवियर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।